जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फटाफट जो है हमारी इस क्लास में स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये स्पेशल क्लास जो स्पॉन्सर्ड हुई है, जो हुई है हिमाचल पुलिस और पटवारी की परीक्षा के लिए। इसमें हम हिमाचल जी के, इंडिया जी के, हिंदी और कंप्यूटर सभी विषयों से जुड़े हुए सवालों को डेली की टू डेली जो है वो लेकर आ रहे हैं और वो पूछे जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ रोजाना शाम 8 बजे जुड़कर इस क्लासेस का जो है लाभ उठाइए और इन क्लासेस के माध्यम से अपनी जो आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स जो हैं तो उसके लिए भागीदारी जो है वो दिखाइए और अच्छे से तैयारी करें। आपका जो आने वाला समय है उसमें आपका पेपर जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सभी का स्वागत है हमारा विजयपथ गवर्नमेंट प्रिपरेशन की तरफ से। सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने दोस्तों में इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा कि क्लास जो है वो हम फटाफट ज्वाइन करके या वो भी आगे कंटिन्यू कर पाएँ और हम भी उनके साथ कंटिन्यू कर पाएँ। जितने ज़्यादा बच्चे हों उतना ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैं ऐसा आपसे बोल रहा हूँ। तो आप इसका मज़ा लें क्लासेस का और अपने दोस्तों को भी मज़ा दें, वो भी हमारे साथ जो हैं अपनी भागीदारी दें और वो भी अपनी जो है तैयारी जो है वो अच्छे से कर पाएँ। ज़्यादा समय नहीं मैं लूँगा आपका। और HRTC कंडक्टर की कट ऑफ पूछ रहे हैं मुझसे कि HRTC कंडक्टर की क्या कट ऑफ रहेगी, तो मैं ये कहूँगा कि अब देखने वाली बात होगी कि HRTC कंडक्टर की कट ऑफ कितनी जाती है, क्योंकि पेपर मैं ये कहूँगा कुछ इजी था और कुछ मॉडरेट था, जिसके आंसर की का भी अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। फिर भी हमने आंसर की तो डाली थी आपको, तो अब देखते हैं क्या आपकी आंसर की कहती है। जैसे ही आता है तब तक आप अपने आंसर जो है वो लगाना शुरू करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं सदी के शुरू में ही ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। मैं बता देता हूं इसका क्या आंसर रहेगा, पर पहले अपनी अपनी ट्राई जरूर करने की कोशिश करते रहें। इसका करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, वैशाली। महाजनपद काल की बात हो रही थी। विशाली जो है इसको हम बच्ची भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चीज। और मल यानी कि कुशावती संघ ऐसे थे जिसमें का जो शासन राजा न होकर गण यानी कि संघ द्वारा होता था। याद रखिएगा, महाजनपद राजाओं द्वारा शासित होने हो, मतलब शासित थे तो वे अलग शासन की व्यवस्था कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दांग मठ, मठों से जुड़े हुए सवाल कई बार एग्जाम्स में आते हैं। नवीन भंडारी आए हैं, पंकज ठाकुर आए हैं, संजय कुमार हैं हमारी क्लास में। सभी को कहूंगा कि आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। इस प्रकार के ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं जब आप कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि अपनी तैयारी जो है वो उमदा करिए हमारे साथ। तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, जितने भी मठ हैं वो हिमाचल प्रदेश में है और जो कि दांग मठ जो है वो कहाँ पर है? लाहौल स्पीति। कहां पे है? लाहौल स्पीति में है। अगला सवाल, प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक अलवारों के नेतृत्व में हुआ, वे किसके भक्त थे? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, वो विष्णु के भक्त थे। किसके भक्त थे? विष्णु के भक्त थे। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। युद्ध से जुड़ा हुआ सवाल बहुत बार पूछा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? जल्दी से आंसर करिएगा, कब लड़ा गया है हल्दी घाटी का युद्ध?
कमेंट करना ना भूलिएगा। सभी बच्चों को कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को भी बोलिए कि वो क्लासेस लगाएं, क्योंकि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ही होता है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको होगा तो एग्ज़ाम में भी उनको उतनी ही ज़्यादा बेहतर जो है बारीकी से जो है वो क्वेश्चन एक्यूरेसी से करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा वो है सी ऑप्शन 1576। 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और तारीख की बात करें तो 18 जून को जो है ये युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था और अकबर इसमें जीत गए थे। अगला सवाल, डैश का गोल गुंबज मोहम्मद आलिद शाह का मकबरा है, गोल गुंबज में जो है मोहम्मद आलिद का मकबरा है ये कहां पर है बताएं। और मैं बता देता हूं ये शाही वंश था जिसका समय काल जो है वो 1627 का रहा है, 1627 का रहा है, बीजापुर कर्नाटक। करेक्ट आंसर रहेगा बीजापुर कर्नाटक। करीब 30 वर्षों में लग गए थे इसको गोल गुंबज को बनने में। नेक्स्ट, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है, आपके हिसाब से जो है पानी का शुद्ध रूप क्या है, कमेंट करिएगा जल्दी से, अपना अपना जो है आंसर डालते जाएं बताते जाएं, प्रैक्टिस होती जाती है। आपके हिसाब से पानी का शुद्ध रूप क्या है, करेक्ट आंसर रहेगा रेन वाटर, वर्षा का जल। वर्षा का जल जो है वो शुद्ध जल माना जाता है, क्योंकि जल पृथ्वी से सूर्य की किरणों के कारण भाप बनकर उड़ जाता है, जबकि पृथ्वी के जल का भाप बनते समय उसमें उपस्थित गंदगी भाप के रूप में ऊपर नहीं जा पाती, जिसके बाद उसी भाप से बनने वाली जल गंदगी मुक्त रहता है। यानी कि पानी ऊपर उड़ जाएगा तो बड़ा गंदगी जो है वो उसके साथ नहीं जाएगी, तो फिर जब बारिश होगी तो साफ पानी जो है वो बरसेगा, शुद्ध जल बरसेगा। भारतीय रेलवे कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है, जल्दी से कमेंट करिएगा। रेलवे कोच फैक्ट्री, सभी आंसर बताइएगा। और भी हैं रेलवे की कोच फैक्ट्रीज, मगर कौन से शहर में है। शेख सिंघानिया कपूरथला के साथ गए हैं और बिल्कुल सही आंसर कपूरथला। कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है या कारखाना है। कपूरथला पंजाब में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, पंजाब में पड़ता है भाई, ठीक है। और इसी में रेल व्हील फैक्ट्री पूछी जाए तो बेंगलुरु है, और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पूछा जाए तो ये पश्चिम बंगाल में चितरंजन जगह पर ही है। और रेल कोच फैक्ट्री एक और जगह है रायबरेली, ऑप्शन में नहीं था यहाँ पर रायबरेली में भी यूपी की बात कर रहे हैं, वहां पर भी रेल कोच फैक्ट्री है। तो दो जगह रेल कोच फैक्ट्री आपको मैं बता दी है, और एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। चलते हैं आगे सवाल की तरफ, स्वर्ण जयंती शहरी योजना का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है, आपके हिसाब से किस प्रकार के रोजगार उत्पन्न करना है। मैं आपको बता देता हूँ इस रोजगार जयंती जो है ये कब शुरू हुई थी, स्टार्ट कब हुई थी, तो 1 दिसंबर 1997 से ये स्टार्ट की गई है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रोजगार, स्व रोजगार या मजदूरी रोजगार दोनों को अवसर जो है उपलब्ध कराना है। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट कहूंगा कि अपने आंसर जो है वो कमेंट करते रहिएगा सभी। अगला सवाल, मनरेगा के अंतर्गत किस ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम दिन तक रोजगार मिल सकता है, कौन से व्यक्ति यानी कि मिलता है, यानी कि मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन का जो है रोजगार मिलता है बताएं आप। मैं आपको बता दूं कि 2 फरवरी 2006 को मनमोहन सरकार ने ये स्टार्ट की थी, क्योंकि भूख गरीबी बेरोजगारी से निजात पाने के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू की। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से ये स्टार्ट की गई है। याद रखिएगा मनरेगा कहाँ से शुरू हुई है, आंध्र प्रदेश से 2006 में, ठीक है, एपी लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश समझ लीजिए, ठीक है। और 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा बोला फिर, तो ये बनाया गया था जो कि 2005 में बना था, और औपचारिक रूप में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम मनरेगा फिर बाद में बना। अगले सवाल की तरफ चलते प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से अपना आंसर करें। लड़कियों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निम्नलिखित में से
बहुस्तरीय वैश्विक अभियान कौन सा है? सभी कमेंट करिएगा अपना अपना आंसर, साथ साथ में बताते रहिएगा। करेक्ट आंसर रहेगा गर्ल्स राइजिंग, गर्ल्स राइजिंग ए ऑप्शन, गर्ल्स राइजिंग जो है वो सही आंसर रहेगा। प्यारे बच्चों, शिक्षा के महत्व को जो है वो बढ़ाना है, इसलिए जागरूकता के लिए। आगे आ जाते हैं हमारे साइंस से जुड़े हुए सवाल। साइंस के सवालों को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। जो बच्चे अभी जुड़े हैं मैं उनको कहूँगा कि आप इन क्वेश्चंस को जो हैं एक बार जरूर देख लीजिएगा, वीडियो को बार बार प्ले करिए। हमारे जो हैं पटवारी पुलिस एसएससी जीडी के बैचेस शुरू हो चुके हैं, तो आप हमारी क्लासेस जो हैं वो अटेंड कर सकते हैं ऑफलाइन में भी। क्वांटम के सिद्धांत की नींव किसने रखी, क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया? मैं बता देता हूँ, 1900 में दिया था क्वांटम का सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक द्वारा जो है वो क्वांटम का सिद्धांत दिया गया था, ए ऑप्शन मैक्स प्लैंक। अगला सवाल, प्रत्यवर्ती धारा को दृष्टि या दृष्ट धारा यानी कि एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिंपल सी भाषा में बात करें, जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट करिएगा कि एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा आंसर दिया है हिमाचली इन कांगड़ा, रिएक्टिफायर का। रिएक्टिफायर जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। प्यारे बच्चों, रिएक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सिलिकॉन की में थोड़ी सी गड़बड़ है, सिलिकॉन की किस प्रकार का पदार्थ है? सिलिकॉन कैसा पदार्थ है बताएं, आपको कैसा है? सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर या ऑप्शन ही नहीं है करेक्ट को। बी ऑप्शन बता रहे हैं अभिषेक, बी ऑप्शन बता रहे हैं, बट करेक्ट आंसर है सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है। ये हमारे मोबाइल की बैटरियों में इस्तेमाल होता है, आपको ये बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। सिलिकॉन का क्या है? सेमीकंडक्टर है। आगे नेक्स्ट आ जाता है, किसने कहा था कि सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड है, किसने कहा है? आंसर रहेगा जॉन डाल्टन, बी ऑप्शन। जॉन डाल्टन जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। प्यारे बच्चों, जॉन डाल्टन। अगला है, जब मिश्रण में पानी में मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? जब नीचे बैठ जाते हैं भारी कण तो उसको क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल अभिषेक। अब साधन या तल छटीकरण भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं नीचे ना, वो बैठ जाते हैं की बात कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, हेनरी बैक्रेल की बात कर रहा हूं। बैक्रेल ने डैश मापने की इकाई है, बैक्रेल किसकी मापने की इकाई है? सभी आंसर कमेंट करिएगा। इसके साथ मैं आपको मात्राओं से जुड़े हुए क्वेश्चन बता देता हूं। एक होता है चालकता, जैसे ये चालकता दिया है तो इसका है किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड, इसका बता दिया। ये है आपका वेग का, वेलोसिटी का है। चालकता का सीमेंस, सीमेंस चालकता का क्या है बच्चा? सीमेंस है। और वेग वेलोसिटी स्पीड का किलोमीटर पर आवर, ठीक है प्यारे बच्चों। प्रतिरोध का ओम, OHm। रेडियो एक्टिविटी का क्या है? बैकुरल, जो कि आपसे पूछा गया था। डी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन रहेगी। शेख कटोच ने बहुत अच्छे से आंसर, बहुत बढ़िया बेटा। हमारी क्लास बेटे रोजाना 8 बजे क्लास शुरू होती है, अब रोजाना हमारी क्लासेस का आनंद लीजिए, रोजाना लगाइए। नेक्स्ट, पोटाशियम क्लोरेट के थर्मल अपघटन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? इसे कमेंट कर सकते हैं, पोटाशियम क्लोरेट के थर्मल अपघटन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? साथ साथ में ही जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर रहेगा, मैग्नीज डाई ऑक्साइड। अगला सवाल, अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कई बार आपको पता है सूत्रों से जुड़े हुए यानी कि केमिकल फॉर्मूलों से जुड़े हुए सवाल आ जाते हैं पेपर में, इसलिए ध्यान में रखिएगा। NH4NO3 का सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। अगला सवाल, एम्बिलिका ऑफिसनेलिस डैश का वैज्ञानिक नाम है, ये किसका जो है नाम है?
अब बताएं आपने अगर ये नाम सुना है तो किसका है, पीपल, आंवला, आम या सहजन, ड्रमस्टिक? करेक्ट आंसर रहेगा वो है आंवला। आंवले का जो नाम है वो है एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, आंवला। बिल्कुल सही सिंघानिया, बहुत बढ़िया बेटा। पीपल के पेड़ का नाम है, नोट कर रहे हो बच्चे तो मैं बता देता हूँ पीपल के पेड़ का क्या नाम होता है। तो पीपल के पेड़ का नाम होता है फाइकस, लिख भी देता, फाइकस एलिजियोसा। आम का क्या नाम होता है, मैग्नीफेरा इंडिका, क्या है, मैगी फेरा इंडिका। और सरहजन का है मोरिया मोरिंगा, सॉरी मोरिंगा ओलीफेरा, ओलीफेरा। तो ये इसके नाम है, वैज्ञानिक नाम, यानी कि ये बहुत बार पूछे जाते हैं पेपरों में, तो जनरल साइंस में ये जरूर पढ़ के जाए। और भी हैं जैसे कि राणा टिगरीना, मेंढक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आंसर दीजिएगा। ये तो मैंने ऐसे टिक लगा दिया था, आप आंसर ना समझिएगा। नजलीकरण, डिहाइड्रेशन क्या है? सभी आंसर करिएगा, कमेंट करिएगा। नजलीकरण, डिहाइड्रेशन में क्या है, आपको करेक्ट आंसर रहेगा एक अणु से पानी को हटाना। जब हमारे डिहाइड्रेशन हो जाती है पानी की वजह से होती है, याद रखिएगा पानी को हटाना होता है उसका एक अणु। तो ये था हमारा सवाल। अब हमारे सवाल आए हैं कंप्यूटर से जुड़े हुए। देखिए मैं आपके लिए रोजाना क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और आप जो हैं इन क्वेश्चंस को साथ साथ में जो हैं वो परफेक्ट भी कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि आप जो है रोजाना हमारे साथ जो है इन क्वेश्चंस के जवाब देते रहें और अपनी भी प्रैक्टिस करते रहें। अगला टॉपिक आ चुका है हमारा, टॉपिक का नाम है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर्स के से जुड़े हुए सवालों को करते हैं। किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया? कौन से शहर में एटीएम खुला था पोस्ट ऑफिस का? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। अभिषेक सिंघानिया धन्यवाद कर रहे हैं, एनी आइडिया कि किस चीज का धन्यवाद कर रहे हैं, पर चलो धन्यवाद आपका स्वीकार करते हैं मेरे भैया। चेन्नई, चेन्नई में खुला था मेरे भैया। कब खुला था? 25 जनवरी 2014 को खोला गया था। 25 जनवरी 2014 को जो है वो खोला गया है, 25 जनवरी 2014 को खोला गया है पहला एटीएम। पहला एटीएम जो है 25 जनवरी 2014 को खोला गया है, याद रखिएगा। और उसके बाद जो है फिर आगे खुले थे। अगला सवाल, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की डैश पीढ़ी, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल कब किया गया है? ये नोट, ये है सवाल, वैक्यूम ट्यूब्स का कब इस्तेमाल किया गया है? सभी आंसर करिएगा। पहली जनरेशन में, दूसरी, तीसरी, चौथी? करेक्ट आंसर रहेगा वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल कौन सी जनरेशन में हुआ है? तीसरी में बता रहे हैं, तीसरी में नहीं था, आईसी का था। तो आंसर रहेगा आपका वो है ए ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन रहेगी। अगला सवाल, कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर के जनक, अक्षय शर्मा भी आए हैं हमारी क्लास में। मैं सभी को कहूँगा कि शाम 8 बजे जो है आप एक अलार्म लग रख लीजिए और सभी हमारी क्लास में जो है समय पर आए और रोजाना लगाएं अपनी तैयारी और उमदा हो जाएगी। अभिषेक सिघानिया बता रहे हैं चार्ल्स बैबेज, मैं बता देता हूं आपका बिल्कुल सही आंसर है। चार्ल्स बैबेज ने जो है 1834 में इस कंप्यूटर की खोज की थी, 1834 में ही, देख लीजिए कितने साल पहले ही इसकी खोज हो चुकी है, को जन्मदाता कहते हैं। गणना यानी कि कंप्यूटर, कंप्यूटिंग करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? गणना करते हैं तो उसके लिए हम किसको इसके फादर के रूप में जानते हैं? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इंग्लिश है आज, क्या इंग्लिश नहीं है भैया, और सारे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश नहीं है। आराम आराम से हम इंग्लिश के भी क्वेश्चंस को यहाँ पे पुट ऑफ करने वाले हैं। अभी तक जो है हम ये सोच रहे हैं कि कुछ बच्चे, बच्चों का कहना है कि सर आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाती है, तो हम सोच रहे हैं कि अलग अलग क्लासेस जो हैं वो आपको दी जाए, यानी कि
इंग्लिश भी डाली जाए या कभी हिंदी, सभी इकट्ठे सारे सब्जेक्ट ना हो, क्योंकि इकट्ठे सब्जेक्ट्स में बच्चा कन्फ्यूज हो रहा है और रेगुलरली जो है वो वीडियो से क्विट कर दे रहा है, तो ये मेन दिक्कत आ रही है। बच्चे को पढ़ना चाहिए पर पढ़ रहा नहीं है, वो क्विट करने में ज़्यादा अच्छा समझ रहा है। चार्ल्स बैबेज, सी ऑप्शन, चार्ल्स बैबेज जो है वो सही आंसर है प्यारे बच्चों। अगला सवाल, डैश सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत के में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सी डेक, ठीक है, के द्वारा बनाया गया था या असेंबल किया गया था, कौन सा था जो इन्होंने बनाया था, सी डेक के द्वारा कौन सा बनाया गया है। करेक्ट आंसर रहेगा सुपर कंप्यूटर बनाया था परम, सुपर कंप्यूटर बनाया था उन्होंने, नाम था परम। अगला सवाल, अर्थमोमीटर जो है उसका आविष्कार किसने किया, अर्थमोमीटर का आविष्कार किसने किया, मैं बता देता हूं इसका जो आविष्कार है ये 1820 में किया था, हुआ था। अब किसने किया था, नाम बता देता हूं मैं, वो था नाम बी ऑप्शन चार्ल्स जेवियर थॉम्स, चार्ल्स जेवियर थॉम्स के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही सिंघानिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। अगला सवाल, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, सभी आंसर करिएगा साथ साथ में। तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आईसी, मैंने पहले से बता दिया था आईसी, आईसी का इस्तेमाल किया गया है, चौथी में है आप बोल सकते थे माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है जी, आईसी का इस्तेमाल किया था जिसकी खोज जो है वो जैक किबली ने की है, आईसी का, आईसी की खोज किसने की है, जैक किबली। अगला सवाल, सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का इस्तेमाल, यानी कि जो एयरपोर्ट होते हैं वहां पर किस प्रकार के कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता है, क्या आंसर होगा आपके हिसाब से। तो करेक्ट आंसर रहेगा बी, हाइब्रिड कंप्यूटर्स का, हाइब्रिड कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जर्नल पर्पस इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल और कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया है, कि कौन से देश में बनाए गए हैं भैया, नाम आता है एक आ गया आपका इनेक, ठीक है कंप्यूटर्स, तो करेक्ट आंसर रहेगा डी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये बनाए गए हैं। अगला सवाल, अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब दूसरा युद्ध हुआ था, आपको पता है 1939 से शुरू हुआ था 45 तक दूसरा विश्व युद्ध के दौरान निर्मित पहला प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो उस वक्त कौन सा डिजिटल कंप्यूटर था भैया, सभी आंसर साथ साथ में दीजिएगा। मैंने अभी आंसर दिया था इनेक, इनेक किसका सही आंसर था, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन। मैं सभी से कहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी वीडियो को देखते ही सब शेयर कर दीजिएगा, और आपके लिए खास जो लेकर आया था आज का वो है करंट अफेयर, करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं प्यारे बच्चों आपके लिए, तो सभी करंट अफेयर से जुड़े हुए सवालों का भी जवाब देंगे। इसके बाद हमारे पास हिंदी सब्जेक्ट है और HPGK है जो अभी लगने को है, सभी साथ साथ में दीजिए, हमें आंसर दीजिए, अपने अपने आंसर दीजिए साथ साथ में। तो करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल सभी तैयार हैं तो फटाफट यस लिखकर जो है वो फटाफट शेयर कर दीजिएगा, यस लिखकर जो है वो बता दीजिएगा सभी कि कितने बच्चे यहाँ पर रेडी हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए सवालों के लिए, जल्दी से जल्दी अपने आंसर करिएगा, क्योंकि जो हमारी क्लास है ये कुछ खास क्लास है जिसमें हम रोजाना क्वेश्चन लेकर आते हैं। बहुत बढ़िया सभी का, विशाल रोहनी यस सर, तो पहला सवाल आपका आ गया है, हाल ही में किसने मेड फॉर इंडिया का अनावरण किया है, जल्दी से अपना आंसर करें। नवीन भंडारी बहुत बढ़िया बेटा, अभिषेक कटोच, विशाल रोहनी, अभिषेक संघानिया, अक्षय शर्मा, बहुत से बच्चे हैं, बहुत से बच्चे हैं, सभी आंसर दे रहे हैं, सभी आंसर करिएगा। करेक्ट आंसर रहेगा वो है हाविश अग्रवाल, हाविश अग्रवाल जो है बिल्कुल सही आंसर है प्यारे बच्चों। अगला है, हाल ही में किसने ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है, किसने ITF वर्ल्ड
चैंपियन अवार्डशिप जो है ये जीती है। सभी आंसर करें तो मैं आपको बताएं इनमें से क्या आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा वो है दोनों। इन दोनों को जो है ये अवार्ड दिया गया है 2023 का। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। सभी आंसर करते रहें साथ साथ में, अपना अपना आंसर करते रहें। डोर स्टेप योजना जो है वो किसने शुरू की है, सभी साथ साथ में अपना आंसर जो है वो कमेंट करते रहिएगा। डोर स्टेप योजना जो है वो किसने शुरू की प्यारे बच्चों, साथ साथ में बताइए। डोर स्टेप योजना जो है वो किसने शुरू की है, तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ए ऑप्शन पंजाब, भगवंत मान की सरकार ने ये शुरू की है। अगली बात या अगला सवाल, हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लर लवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। तमिल कवि है, उनका उद्घाटन है, उनकी प्रतिमा मतलब यानी कि उनका स्टैचू है, तो ये कहां हुआ है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा वो है, अपने आंसर साथ साथ में प्यारे बच्चों करते रहिएगा, फ्रांस, ए ऑप्शन फ्रांस इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल, हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है, तो कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है खेलो इंडिया पैरा 2023 गेम्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा प्यारे बच्चों। करेक्ट आंसर रहेगा वो है हरियाणा, डी ऑप्शन हरियाणा के साथ जाइएगा प्यारे बच्चों, हरियाणा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, हरियाणा जो है वो इसका सही आंसर होगा। जिन बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा मैंने हटा दिया है ये स्क्रोल, आपको दिखाई देना ज्यादा जरूरी है। हाल ही में किसने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है, अंडर 19 में जो है किसने जो है एशिया कप जीता है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए। करेक्ट आंसर क्या रहेगा वो है बांग्लादेश, बांग्लादेश बिल्कुल अभिषेक बहुत बढ़िया आंसर है। हाल ही में देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में कौन सा राज्य उभरा है, आपके हिसाब से कौन सा राज्य जो है अर्थव्यवस्था में भारत में सबसे स्पीड में बढ़ रहा है। करेक्ट आंसर रहेगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है वो बहुत ही तेजी से अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है स्टेट में। हाल ही में किस देश ने दुनिया की का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करते रहिएगा, मैं आपको सोचने का समय ज्यादा नहीं दूंगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है चीन, चाइना, चीन, तो करेक्ट आंसर रहेगा चीन। अगला सवाल, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर जो है प्रोजेक्ट शुरू किया है, बताएं किसने ये स्टार्ट किया होगा। विशाल रोहनी बता रहे हैं बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है, संस्कृति मंत्रालय जो है वो इसका सही आंसर है। अगला सवाल और अंतिम सवाल करंट अफेयर से, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया, बताएं कौन सी स्टेट ने जो है ये फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा वो है सबसे बड़ी स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी बिल्कुल सही आंसर। अब हमारे जो है हिमाचल जीके के सवाल आ रहे हैं, तो हिमाचल जीके से जुड़े हुए सवालों का मजा लेने के लिए तैयार हो जाएं। निम्नलिखित में से किस वर्ष हिमाचल प्रदेश को भाग सी का या ग में राज्य घोषित किया गया था, कब ग श्रेणी में डाला गया है हिमाचल को, जल्दी से आंसर करिएगा कमेंट। करेक्ट आंसर रहेगा 1952। अगला सवाल, जल्दी से आंसर करते रहें सभी प्यारे बच्चे, 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव कौन थे। आंसर क्या रहेगा, विधानसभा सचिव पूछा है, तो करेक्ट आंसर है एनसी नंदी जो है वो इनका सही आंसर है। अगला सवाल, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करिए, हिमाचल प्रदेश में प्रथम राज्यसभा सदस्य निम्न में से कौन बने थे, बताएं कौन बने थे राज्यसभा सदस्य, जल्दी से जल्दी अपना आंसर साथ साथ में देने की कोशिश करिएगा।
राज्यसभा सदस्य कौन बने थे? करेक्ट आंसर रहेगा चिरंजी लाल वर्मा। चिरंजी लाल ए ऑप्शन, चिरंजी लाल वर्मा। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश की किस नदी को कालिंदी कहा जाता है? कालिंदी किस नदी का नाम है? जल्दी से आंसर बताएं। कालिंदी, करेक्ट आंसर रहेगा यमुना नदी को जो है कालिंदी कहते हैं। अगला सवाल, चंबा रियासत की स्थापना किस वर्ष की गई? जल्दी जल्दी अपना आंसर सभी करें। 550 ईसा पूर्व, 550 जो है वो इसका सही आंसर है। एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र दियोली जो है वो किस जिले में है? डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं। दियोली जो जगह है ये कहां पर है प्यारे बच्चों? करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, बिलासपुर। बिलासपुर जो है वो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। मैं सभी वीडियो देखने और बाद में देखने वाले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन क्वेश्चंस की लिस्ट जरूर बनाएं। रोजाना क्वेश्चंस लगाए जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप परफेक्ट कर लें, डेफिनेटली आपको जो है सफलता मिलेगी। मुंगल घाटी हिमाचल के किस जिले में है? जल्दी से आंसर करिएगा, मुंगल घाटी जो है वो किस जिले में है? जल्दी से बताएं आपके हिसाब से कहां पर है ये घाटी? करेक्ट आंसर रहेगा, अक्षय शर्मा आए हैं किन्नौर, जॉब छोड़कर भी हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं और क्लासेस को अच्छे से जो है वो कोशिश करने लगाने की। बहुत बढ़िया बेटा। अगला सवाल, हिमाचल परिचय नामक पुस्तक लेखक कौन है? हिमाचल परिचय किताब किसने लिखी है? हिमाचल परिचय किताब किसने लिखी है? तो करेक्ट आंसर रहेगा राहुल सत्यायन, नहीं सांस्कृत्यायन, राहुल सांस्कृत्यायन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, लाहौल की सबसे प्रसिद्ध, सेकंड लास्ट है एचपी का, लाहौल की सबसे प्रसिद्ध घाटी कौन सी है? करेक्ट आंसर रहेगा वो है ये फांगला। ये फांगला जो है, बिल्कुल सही अक्षय, बहुत बढ़िया। नवीन भंडारी का भी सही है, विजय का भी आंसर सही है, सबके आंसर सही हैं। रावी नदी का संस्कृति में यानी कि सांस्कृतिक नाम बताएं, रावी नदी का। करेक्ट आंसर रहेगा, बहुत बढ़िया बेटा, ईरावती। ईरावती ए ऑप्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन है ईरावती। अगला हिंदी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट शुरू होगा और हिंदी से जुड़े हुए सवालों को लेकर आया हूं आपके लिए। डेली के सवाल लेकर आ रहा हूं, सभी सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा हूं। तो कृपा करके जो है सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि रोजाना 8 बजे हमारी क्लासेस में जुड़ें और इन क्लासेस को लगाएं। विलोम शब्द बताएं, चितरंजन का विलोम शब्द बताएं। नश्वर, नश्वर जो है वो इसका सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, नश्वर। साथ साथ में आंसर करते हैं, सूक्ष्म का विलोम बताएं, सूक्ष्म का विलोम बताएं। करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, स्थूल। ए ऑप्शन स्थूल। महान का विलोम शब्द बताएं, महान का विलोम शब्द बताएं। ऑप्शन इज सी शुतुद्र, शुतुद्र। राजेश कुमार जी भी आए हैं हमारी क्लास में, बिल्कुल सही आंसर दिया आते ही। कृतज्ञ का विलोम शब्द बताएं, जल्दी से आंसर साथ साथ में करते रहे भैया। कृतज्ञ का जो है विलोम शब्द बताएं। अनिल कुमार सी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं और आंसर है कृत्यधन। ए ऑप्शन जितने हैं बिल्कुल सही आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, कपाल का समानार्थक शब्द बताएं, कपाल। आंसर इज ए माथा, ए ऑप्शन माथा जो है वो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों। अगला है अलंकार का पर्यायवाची शब्द बताएं, अलंकार, सॉरी अलंकार बोल रहा हूं, अंधकार, अंधकार का पर्यायवाची बताएं। जल्दी से आंसर करें मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आंसर साथ साथ में करते रहे। अंधकार का पर्यायवाची, करेक्ट आंसर इज तिमिर, ई ऑप्शन, बिल्कुल सही अनिल कुमार। नेक्स्ट, अनुपम का पर्यायवाची बताएं। मैं पर्यायवाची ज्यादा ला रहा हूं, विलोम भी ज्यादा ला रहा हूं, सभी इनको याद करिए। अनुपम का पर्यायवाची शब्द बताएं, तो करेक्ट आंसर इज डी, बिल्कुल सही अक्षय। क्या बात है, दिल भी भेज दिया आज तो, क्या बात हो गई।
बेघर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? बेघर से का कारक पूछा है, कौन सा कारक है? बी ऑप्शन अपादान कारक, बी ऑप्शन अपादान कारक, बिल्कुल राजेश कुमार, बहुत बढ़िया। विशाल रोहनी, सबके आंसर सही, बहुत ही बढ़िया। बाल का स्त्री लिंग बताएं, बाल का स्त्री लिंग बताएं। बाला बाला उपाला उपाला शैतान का सला है ना, तो बाला इसका सही है। बाल का बाला, जो लड़कियां होती हैं उसके लिए क्या बोलते हैं? बाला। बहुत बढ़िया अक्षय, कोई चक्कर नहीं है। नेक्स्ट सवाल, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम बताएं आप इसमें से, निश्चयवाचक सर्वनाम बताएं, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? सभी आंसर कर रहे हैं साथ साथ में। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए यह जो है इसका सही आंसर है। ये थी आज की आपकी क्लास, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर, और साथ में आप हमें कॉल कर सकते हैं किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए, और किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, और आप हमें कॉल करिए, मैसेज करिए, हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, इसमें बहुत ही अच्छे प्राइस चल रहे हैं। और क्लासेस लगाने के लिए आपका आज के लिए धन्यवाद। रोजाना आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़ते रहिए शाम 8 बजे। अपना खास ख्याल रखें, दोबारा मिलेंगे कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।